हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए आइडियम्स एंड फ्रेजेस लेकर आया हूं। ध्यान दीजिए, आइडियम्स एंड फ्रेजेस यह बताना चाहता हूं, जब कई शब्द आपस में मिलकर एक नया अर्थ लाता है, ये फ्रेज का अर्थ मैं बताना चाहता हूं। दो या दो से अधिक शब्द, दो से अधिक वर्ड्स जब एक साथ मिलता है और नया अर्थ लाता है, अपना एक अलग अर्थ लाता है, उसको हम फ्रेज कहते हैं। और इसके इंग्लिश लैंग्वेज में अहम भूमिका है, चाहे वह इंटर का स्टूडेंट्स हो, चाहे वह कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट्स हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले भी बता रहा था कि मैं इसको लेकर आऊंगा, और मैं याद मैं जिस तरह पढ़ा रहा हूँ, चाहे वर्ड बिल्डिंग हो, चाहे बुक्स हो या ये ग्रामर हो, तो मैं समझता हूँ कि अगर विद्यार्थी नियमित दिखेगा तो उसे परेशानी नहीं होगी। आपके इंटर की तैयारी के साथ साथ कॉम्पिटिशन का बेस मैं देखे जा रहा हूँ, कॉम्पिटिशन की तैयारी करवाते जा रहा हूँ, तो ध्यान देंगे और ज्यादा समय न लेते हुए चलेंगे। और आपको याद रहा है इंटर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है इसमें से। चलिए हम देखते हैं ज्यादा समय आइडियम्स एंड फ्रेज का। पहला मैं इसको बताना चाहता हूँ आइडियम्स एंड फ्रेज का एक एग्जाम्पल छोटा सा, जैसे कैट्स एंड डॉग्स, ऐसे हम अलग कैट मीन्स बिल्ली, डॉग मीन्स कुत्ता होता है, लेकिन कैट्स एंड डॉग्स के मतलब होता है हेवी रेन्स। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, हेवी रेन्स मूसलाधार वर्षा, याद रखिए कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है हेवी रेन्स, थोड़ा याद दे लीजिए। Cats and dogs. ऐसे बुलाते हैं कुत्ता बिल्ली को, लेकिन ऐसे नहीं मूसलाधार होता, that's called fritz, इसको हम फ्रिज कहते हैं। Cats and dogs का मतलब होता है मूसलाधार वर्षा, यानी कि जोरों से बारिश, जिसको हम बोलते हैं heavy rains. Heavy rains. ऐसे बोलते, तो ध्यान देंगे इसको। दूसरा है तो कैसे तो देखिए दो या दो से अधिक वर्ड मिला है और ये अपना अर्थ नहीं, अलग से अर्थ लाया है, दैट इज कॉल्ड फ्रेजेस। चलिए आगे देखते हैं हम दूसरा है। दूसरा है एक क्लोज से, दूसरा है ए क्लोज से बाल बाल बचना, यानी एक क्लोज से तो मतलब होता है बाल बाल बचना। इन नैरोस के फ्रॉम द डेंजर, इसको हम देखेंगे ए नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर। ध्यान देंगे एग्जामिनेशन में ये पूछेगा, ये रहेगा, ये रहेगा तो ये बताना होगा ऑप्शंस में, जो है एक ऑप्शंस, ऐसे चार ऑप्शंस होते हैं, लेकिन ऑप्शन चार से ज्यादा पूछा एक बार में नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका वीडियो छोटा छोटा रहता है, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ। और मैं आपको याद करना चाहता हूँ, चार ऑप्शन हो पांच ऑप्शन हो उससे कोई मतलब नहीं है, अगर आपका आंसर याद है तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर आंसर जानते हैं तो कितना भी ऑप्शन दे उससे प्रॉब्लम नहीं है। तो एक क्लोज से बाल बाल बचना, तो इन नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, इन नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर। अगला है एक क्लोज फिस्टेड पर्सन, तीसरा में है ए क्लोज फिस्टेड पर्सन, कंजूस 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 माइजर, ए माइजर, ध्यान दीजिए ए क्लोज फिस्टेड पर्सन मतलब क्या होता है माइजर, ए माइजर, ए क्लोज फिस्टेड पर्सन मतलब क्या होता है ए माइजर। चौथा है एट द 11th और बहुत इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम इंटर के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एट द 11th आवर अंतिम समय, अंतिम समय घड़ी या क्षण, यानी अंतिम समय एट द 11th आवर मतलब अंतिम समय में, अंतिम घड़ी अंतिम क्षण जिसको हम बोलते हैं एट द लास्ट मोमेंट या एट द वेरी लास्ट मोमेंट, हम बोलते हैं एट द वेरी लास्ट मोमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए पांचवा देखते हैं, पांचवा मैं बताना चाहता हूं, ए स्मॉल क्राफ्ट, ए स्मॉल क्राफ्ट, यानी ए स्मॉल क्राफ्ट, पांचवा क्या है
पांचवा है स्मॉल महत्वहीन, ए स्मॉल कालिमा होता है महत्वहीन, महत्वहीन अनइम्पोर्टेंट, स्मॉल कालिमा होता है महत्वहीन अनइम्पोर्टेंट। ध्यान देंगे यहां लिख सकते हैं अनइम्पोर्टेंट स्मॉल काइ महत्वहीन यानी अनइम्पोर्टेंट। ए रेड लेटर ध्यान देंगे। अगला है ए रेड लेटर डे, ए रेड लेटर डे महत्वपूर्ण दिन, महत्वपूर्ण दिन, महत्वपूर्ण दिन, यानी हम लिख सकते हैं एन इंपोर्टेंट डे, एन इंपोर्टेंट डे, एन इंपोर्टेंट डे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कभी कभी ऐसे वाक्य रूप किया रहता है इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, लिखा रहेगा एग्जामिनेशन में ऐसे भी लिख सकता है इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इसको एक छोटा सा मुद्दा मैं बताना चाहूंगा, इससे पहले मैं इसको दोहरा रहता हूं, कैट्स एंड डॉग्स मूसलाधार बरसात यानी कि हैवी रेन्स, एक क्लोज से बाल बाल बचना इन नैरो स्टेप फ्रॉम डेंस, ए क्लोज फिस्टेड पर्सन कंजूस व्यक्ति, कंजूस माइजर में जिसको बोलते हैं ए माइजर। चौथा है एट द एलेवेंथ आवर अंतिम समय या अंतिम क्षण या अंतिम घड़ी, एट द वेरी लास्ट मोमेंट, एट द वेरी लास्ट मोमेंट। और पांचवा है स्मॉल क्राइम महत्वहीन अनइम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट। और छठा है रेड लेटर डे महत्वपूर्ण दिन, एन इम्पोर्टेंट, एन इम्पोर्टेंट। एक बार और मैं बताना चाहता हूँ इसे एग्जामिनेशन में कभी कभी ऐसे भी करता है लेकिन सबका उद्देश्य यही है बताना क्या चाहते हैं तो थोड़ा सा देखिए। कभी कभी ऐसा भी देता है ध्यान देंगे थोड़ा सा समय लेंगे, कभी कभी देता है वाक्य में लिखा रहेगा ऐसे फाइनल फ्रेज फ्रॉम फाइनल फ्रेज फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस देगा इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ये ऑप्शन बी हैवी रेन्स बिल्डिंग एन एनिमल सिमेंट कैट एंड डॉग आर डीम नॉन ऑफ डेज, यानी हम अभी बताए कैट और यहां अंडरलाइन किया जाएगा और इसी का अर्थ चुनना होता है जमीन से, तो अभी बताया है कैट एंड डॉग से मतलब क्या होता है ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है, दैट इज द सॉल्यूशन। ऐसे ही जब जैसे पूछेगा तो मेरा करना है आंसर रहेगा तो अभी किसी भी ऑप्शन से पूछ लेते रहेंगे, फिर मैं इसका अगला पार्ट लेकर अगले वीडियो में लूंगा और आप इसको याद करना नहीं भूलेंगे, मैं समझता हूँ रिमिट करेंगे तो हम आपके साथ हैं और आपका रिमिस भी बहुत जल्दी हो जाएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।